हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मील। मेरा नाम है साहिल और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डिफरेंसेस। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि पार्लियामेंट क्या होता है। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पार्लियामेंट क्या होता है। तो देखिए, पार्लियामेंट हमारे कंट्री की एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। लेजिस्लेटिव बॉडी वो होती है जो लॉ बनाती है, लॉ मेकिंग बॉडी को बोलते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी। तो पार्लियामेंट जो है इंडिया में, वो मिला के बनी है प्रेजिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा को। तो आपको ध्यान रखना है कि इन तीन चीजों को मिला के बनी है हमारी पार्लियामेंट। तो यहाँ पे जो लोकसभा और राज्यसभा, ये मेन रोल प्ले करती है। तो हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जो डिफरेंसेस है मेजर, वो इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको अब तक तो पता चल गया कि पार्लियामेंट क्या होता है, ठीक है। तो अब बताते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहला डिफरेंस है, लोकसभा को लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है और जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है। साथ ही यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो मैंने लोकसभा के लिए ग्रीन कलर लिया है और राज्यसभा के लिए रेड कलर लिया है, ये इसलिए लिया है क्योंकि जो लोकसभा का जो कारपेट होता है वो ग्रीन होता है एंड जो राज्यसभा का होता है वो रेड होता है। तो ये आपको ध्यान रहेगा, माइंड में सेट हो जाए, इसलिए मैंने कलर ऐसे लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा का जो हेड होता है वो होता है लोकसभा का स्पीकर, जो कि एट प्रेजेंट श्री ओम बिरला जी है। और राज्यसभा का जो हेड होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो लोकसभा का लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री होता है। और जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करे जाते हैं पीपल द्वारा, जो वोटर्स होते हैं उनके द्वारा जो इलेक्ट करके जो मेंबर्स आते हैं वो होते हैं लोकसभा के मेंबर्स। और जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट, उसमें से इलेक्ट होके आते हैं। जो पहले से स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स होते हैं उसमें से जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको राज्यसभा में लिया जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में होती है और वो उनकी लॉ मेकिंग बॉडी होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जो लोकसभा का पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। जो मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं वोटर्स द्वारा, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो 5 साल के लिए काम करते हैं, उनका कार्यकाल होता है 5 साल का, इसलिए जो लोकसभा का टेन्योर होता है वो भी 5 साल का होता है। लेकिन जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट बॉडी है और इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो 6 साल के लिए काम करते हैं, उनका कार्यकाल होता है 6 साल का। लेकिन वो जो मेंबर्स होते हैं उसमें से 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है और उसका जो टेन्योर होता है 6 ईयर्स का होता है और जो लोकसभा का टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का होता है। और ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि जो राज्यसभा के टोटल मेंबर्स होते हैं, जो टोटल उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसका 1/3 ऑफ द मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद जो क्वालिफाइंग एज होती है, जो एलिजिबिलिटी होती है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, वो होती है 25 ईयर्स की एज। आपकी अगर 25 ईयर्स की एज है तो आप लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं, उससे कम में नहीं बन सकते। इसी तरह राज्यसभा की जो क्वालिफाइंग एज है वो है 30 ईयर्स। फिर आती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो लोकसभा की जो टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 552 मेंबर्स की। टोटल 552 मेंबर्स ही हो सकते हैं लोकसभा में, उससे ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। और एट प्रेजेंट 545 मेंबर्स है हमारी लोकसभा में, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और जो राज्यसभा है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250 मेंबर्स की। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक बाइफर्केशन होता है। जैसे कि ये देखिए, जो 552 मेंबर्स हैं उसमें से 530 मेंबर्स जो होते हैं वो स्टेट से इलेक्ट होके आते हैं और जो 20 मेंबर्स होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज से आते हैं और 2 मेंबर्स जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है एंग्लो इंडियन। अब देखिए, एंग्लो इंडियन ऐसे व्यक्ति को माना जाता है जो भारत में रहता हो और जिसका पिता या कोई पुरुष पूर्वज यूरोपियन वंश के हो। यह शब्द मुख्य रूप से ब्रिटिश लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि भारत में काम कर रहे हों और भारतीय मूल के हों। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एंग्लो इंडियन क्या होता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो कहा गया है मैंने आपको वो बताया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं राज्यसभा पे। राज्यसभा की अब देखिए, टोटल स्ट्रेंथ है 250 मेंबर्स की, जिसमें से 238 मेंबर्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से आते हैं और जो 12 मेंबर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ये 12 ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है। यानी कि ऐसे लोग जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है टूवर्ड्स आर्ट्स, लिटरेचर, साइंसेज एंड सोशल सर्विसेज। तो आई होप गाइस, जब तक आप समझ गए होंगे कि पार्लियामेंट क्या है और लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है।
फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।